गाइस मैं हूँ रवीश और मेरे पीछे है हूवर डैम। डैम, ओ डैम इट। जी हूवर डैम पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दिया है। हूवर डैम नेवाडा और एरिजोना की बॉर्डर पे है और हम लोग इस समय एरिजोना में आए हैं क्योंकि एरिजोना वाली साइड पे पार्किंग फ्री है। अगर आप ये देखो, ये है पेड पार्किंग और ये है फ्री पार्किंग। पेड पार्किंग, फ्री पार्किंग। अगर आपको पेड पार्किंग करनी अच्छी लगती हो तो आप पेड पार्किंग में जा सकते हो। ऐसे ही नेवाडा वाली साइड में भी पेड पार्किंग है। अगर आप एरिजोना वाली साइड में आ जाते हो तो यहाँ पे आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। दोपहर के 12 बजे हैं एंड इट्स रियली रियली हॉट। या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग आओ या ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम पे आओ। बीच में आप कभी भी आओगे, स्पेशली समर मंथ्स में, इट्स गोना बी वेरी वेरी हॉट। तो आपको थोड़ी बहुत हूवर डैम की हिस्ट्री बता देता हूँ। हूवर डैम 1936 में बना था और जो इसका मेन पर्पस था हूवर डैम बनाने का, वो था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना साउथ वेस्ट ऑफ यूएस को, जिसमें बड़ी सिटी थी लॉस एंजलिस। और कहा जाता है कि अगर ये हूवर डैम ना बना होता तो जो बड़ी सिटीज़ हैं लॉस एंजलिस और सैन डिएगो, वो इतना ग्रो नहीं कर पाती। जगह जगह पर यहाँ पर एक्सेसिव हीट वार्निंग्स के साइन लगे हुए हैं कि जितना हो सके थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट लेते रहो अदरवाइज़, और पानी बहुत पीते रहो अदरवाइज़, गर्मी की वजह से अब यहाँ पे बेहोश होके भी गिर सकते हो, इतनी गर्मी है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इतनी तेज़ हवा आ रही है। यहाँ पे जब हवा बहुत तेज़ होती है ना, अगर आप पानी नीचे फेंको पानी उड़ के ऊपर आ जाता है। लेट्स ट्राई इट आउट। By the way, हम लोग इस समय स्टेट बॉर्डर पे हैं। मेरे लेफ्ट साइड में है नेवाडा और मेरे राइट साइड में है एरिजोना। अगर आप सर्दी में आते हो तो दोनों का टाइम अलग अलग होता है। अगर आप एक कदम इधर रखोगे तो 5 बजे होते हैं, एक कदम इधर रखोगे तो 4 बजे होते हैं, बट गर्मियों में दोनों का सेम ही टाइम होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो दूसरा मेन पर्पस ये सर्व करता है डैम, वो है पानी का रिजर्व करना। और जो ये पानी है ये सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में ये सारा पानी यूज़ होता है इरिगेशन और फार्मिंग में। सो ये इसका एक मेन फीचर है और ये इंजीनियरिंग मार्वल है। आज की डेट में भी हूवर डैम दुनिया के हूवर डैम जो है वो दुनिया के 15 या 20 सबसे बड़े डैम्स में से माना जाता है। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 726 फीट। दैट्स अ लॉट। दुनिया के कई ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो इतनी ऊंची नहीं।